Hey everyone, welcome back to my vlogs. आज हम लोग जा रहे हैं पोलैंड की लोकल बाज़ार और बाज़ार में यहाँ पे लोकल फार्मर्स आके अपना सामान बेचते हैं. सामान अच्छा क्वालिटी का होता है, फ्रेश सामान होते हैं. सामान से मेरा मतलब है वेजिटेबल्स एंड जो लोकल रोज़ की खाने पीने की चीज़ें होती हैं वो मिलती हैं. चलते हैं और वहाँ के जब पहुँचते हैं तो मैं आपको दिखाता हूँ कि वहाँ का कैसा माहौल रहता है. जाड़ा बहुत हो रहा है, एज यू कैन सी मेरे मुंह से धुआं भी निकल रहा है, कैमरा शायद ना कैच कर पाए. एंड दरवाज़ा खोल चुका है, थैंक यू असमा. पोलैंड में इस तरीके के कई जगह पे बाज़ार लगते हैं छोटे छोटे, जहाँ भी हम जा रहे हैं. हम बाज़ार आ चुके हैं एंड गाड़ी पार्क करके बस अब हम लोग अंदर जाएंगे. यहाँ पे आज बहुत ज़्यादा भीड़ है, पार्किंग की जगह नहीं मिल रही थी. चलते हैं अंदर, देखते हैं क्या माहौल है. वी आर एट द मार्केट और यहाँ पे छोटी से लेके बड़ी से हर चीज़ मिलती है. यहाँ पे हम लोगों ने इस आंटी की शॉप से यहाँ से इलास्टिक ली है और सुई धागा सब कुछ मिलता है. हर रंग के धागे भी मिल जाते हैं. हम लोगों ने एक विस्कर लिया है और यहाँ पे छोटे छोटे काफ़ी सामान है इनके पास. ये ब्रश की दुकान है छोटी सी, इनके पास हर टाइप के ब्रश मिल रहे हैं. अलग अलग टाइप के अचार मिल रहे हैं यहाँ पे. मिर्चे के अचार हैं, गोभी के अचार हैं और क्यूकम्बर खीरे के हैं. कपुस्ता यहाँ पे, ये मिक्स कपुस्ता बहुत बिकता है जो कि लोग अभी ख़रीद रहे हैं यहाँ पे. और सिरके की खटाहिंद आ रही है यहाँ पे जब खड़े हो रहे हैं. ये यहाँ पे अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, इनकी काफ़ी बिक्री हो रही है यहाँ पे. हनी बिकता है यहाँ पे, पोलिश हनी जो है वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है यहाँ पे. ये हनी बहुत ज़्यादा फेमस है यहाँ पे. एक लाल कलर का हनी है और कुछ काला कलर का, ये बहुत ही अजीब तरीके का हनी है. ये दाने भी मिलते हैं हनी के, काला हनी है और अब बहुत ही अलग अलग टाइप के हनी है. इनके दुकान पे जो है वो कुछ केबल भी मिल रहे हैं अलग अलग टाइप के. ये यहाँ की नेक्सन मार्केट है. ये यहाँ पे परफेक्ट लेदर के नाम से प्योर लेदर की जैकेट्स मिल रही हैं, बहुत ही अच्छी अच्छी. और पान इमिया ग्रेजोस की ग्रेगोरी की बहुत ही लेदर की एक फर्म है और वो यहाँ पे सारा लेदर का सामान बेचते हैं. ये इनका कार्ड है. हमारे बचपने में एक ठेले वाला आता था जो बेचता था हर माल एक एक रुपया. तो यहाँ पे बहुत से टाइप के माल लगे हुए हैं, कुछ 6 रुपए में हैं, 10 रुपए में हैं, सब पे स्लिप्स लगी हुई हैं छोटी छोटी. तो हर टाइप का सामान है. हर माल एक एक रुपया वाला यहाँ पे हिमालय का ब्रांड भी रुमालिया मिल रहा है. वैसे प्रमोशन में हिमालय की क्रीम भी है 5 रुपए की, 5 रोटी की. सब सामान यहाँ पे मिल रहा है. अंडे मिल रहे हैं, अंडे यहाँ पे 2 जर्दी वाले अंडे भी मिलते हैं. एप्पल्स हैं, ये खीरे का अचार है और कुछ हनी भी रखा है बैकग्राउंड के अंदर. ये फ्रूट्स की दुकान है, यहाँ से हम लोगों ने मैंडरिन और कुछ फ्रूट्स लिए हैं डिफरेंट टाइप के. आम भी बिक रहा है सर्दी में. टमाटर हैं, सुकीनी है, पपरिका है. हम जुकीनी ख़रीद रहे हैं. जुकीनी बहुत ही हेल्दी होती है, इस वजह से थोड़ा सा आसमान ने सजेस्ट किया है कि पतली पतली और अच्छी वाली है. Thank you.
पीछे से थोड़ी सी सब्ज़ी की ख़रीदारी करी है, शलजम और छोटे चिकंदर ये सब लिया है। अब आगे एप्पल्स की भी दुकान है, यहाँ पे कुछ अलग अलग सामान मिल रहे हैं, यहाँ पे गाड़ी का भी सामान है उधर। अब हम मार्केट के दूसरे साइड आ चुके हैं, यहाँ पे भी सब्जियाँ और चॉकलेट्स भी मिल रही हैं, अलग अलग टाइप की बिस्किट्स हैं। ये पोलैंड में सेब बहुत मशहूर हैं, यहाँ के सेब काफ़ी दुनिया में हर जगह जाते हैं। इनके पास हर टाइप का लमसम सेब है, अलग अलग वैराइटीज़ हैं, अलग अलग टेस्ट होंगे इनके। और एप्पल जूसेस भी हैं इनके पास। यहाँ पे अलग अलग फ्रूट्स के अर्क रखे हुए हैं। ये गोश्त की दुकान है, सूखा गोश्त, सॉसेजेस और अलग अलग टाइप के यहाँ पे गोश्त मिल रहे हैं। गोश्त की दुकान है, यहाँ पे सूखा गोश्त और अलग अलग टाइप के अंडे मिल रहे हैं, डबल जर्दी के और सिंगल जर्दी के अंडे। यहाँ पे किराने की दुकान भी है, जैसे अपने वहाँ होती है किराने की दुकान, ड्राई फ्रूट्स मिल रहे हैं और सूखी चीज़ है, ये सब ड्राई में इनके पास अलग अलग फ्रूट्स हैं। मसाले भी हैं, मसाले हैं डिफरेंट टाइप के। ये कद्दू कटे रखे हैं। और पोलैंड में रूट्स बहुत खाई जाती हैं, तो ये अलग अलग टाइप की रूट्स हैं, जिसमें मूली है और डिफरेंट काइंड्स ऑफ मूली के वो हैं, और शलजम है, चुकंदर है, कैरेट है। ये अलग अलग टाइप की नाशपाती मिल रही है यहाँ पे। ये अंडे की दुकान है यहाँ पे, और इसमें इतनी लंबी लाइन लगी हुई है कि जैसे यहाँ पे अंडे फ्री में मिल रहे हैं, यहाँ तक लाइन लगी हुई है। इसके सामने भी अंडे बिक रहे हैं, बहुत जगह पे अंडे बिक रहे हैं यहाँ पे, लेकिन इसके पास शायद सस्ते अंडे मिल रहे हैं, इस वजह से इतनी लंबी लाइन लगी है। ये फाइनली आ गई है मसालों की दुकान, और यहाँ पर हर टाइप का इलायची से लेके हर टाइप का मसाला मिल रहा है। फाइनली वी हैव कम बैक टू द सेम प्लेस, और काफ़ी शॉप्स हैं यहाँ पे जो कि रिपीट हो रही हैं, तो मैंने ज़्यादा रिपीटेबल चीज़ें नहीं दिखाई हैं। अब हम लोग उसी जगह पे वापस आ गए हैं जहाँ से हम लोगों ने स्टार्ट किया था, जाते हैं घर। थैंक यू वेरी मच फॉर मेकिंग अ पार्ट ऑफ द डे, डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड यू नो बी हैप्पी एंड डोंट वरी।